हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि आज जो आप हमारी वीडियो को देखेंगे, देखते ही ये बोलेंगे कि इतनी देर क्यों कर दी मैंने वीडियो देखने में। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही अच्छी है और आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और आप हमारी वीडियो को देखते ही बहुत खुश होंगे। ये वीडियो मैंने देखने में इतनी देर क्यों कर दी, हमारी वीडियो को देखते ही जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि आज की हमारी जो वीडियो बहुत ही अच्छी और सुंदर की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बनाकर दिखाएंगे जिसको आप देखते ही आपका दिल छू जाएगा और आप तुरंत भागेंगे कि मैं भी ऐसी चीज जरूर बनाकर दिखाऊं, क्योंकि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर चीज हम आज की वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। जो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इसी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको पोटली पर्स बनाकर दिखाएंगे। ये हम बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बनेगा। ये हमने इसके लिए मेन फैब्रिक ले लिया है, वीट्स है। ये मैंने 10 इंच ली है और यहाँ से इसकी जो पूरे कपड़े की लेंथ है ये मैंने 20 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स, सेम साइज के हमने ये लाइनिंग का पीस लिया है। इसमें हमने वाइट कलर की लाइनिंग लगाई है। ये शॉपिंग बैग लिया है, जो हमारा शॉपिंग बैग आता है, ये शॉपिंग बैग रखेंगे। उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये लाइनिंग का पीस रखना है। ऊपर हमने ये मेन फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक हमने उल्टा करके ऐसे रखना है, क्योंकि हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, ये तीनों कपड़े हमने एक साथ ही सिलने हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस साइड भी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसके किनारे पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इससे अब हमने करना क्या है कि जब हमने सिलाई लगाई, इससे 2 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमने सेम यहाँ से ही ऐसे माप कर 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाना और इसी तरह हमने इस साइड करना है। देखिए, हमने ऐसे निशान लगा दिए हैं दोनों साइड। अब हमने दोनों लाइनों पे जो निशान लगाए हैं, दोनों पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हमने यहाँ पर दोनों तरफ इसको ऐसे सिलाई कर देनी है। सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी, अब हम इसको ऐसे ही ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है, ऐसे कोने से इसके यहाँ पर ऐसे राउंड शेप दे देंगे। शेप दे दिया और अब हम इस पर भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने इसमें ऐसे सिलाई लगा दी। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये हमारे पास डोरी है, ये हमने रेडीमेड डोरी ली है। अगर आपके पास रेडीमेड डोरी नहीं है तो आप कपड़े की भी बना सकते हैं। ये हमने रेडीमेड डोरी ली है कि यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई थी ना, यहाँ पर 2-2 इंच पर, यहाँ पर हम डोरी को ऐसे डालेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो हमारी ये सिलाई लगाई थी, हमने ये ऊपर वाला कपड़ा इसको ऐसे उठाएँगे और यहाँ पर इस पर नोक लगा देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इस पर नोक लगा दिया है। अब इस साइड भी ऐसे नोक लगा देंगे। ये हमने चारों तरफ इस पर नोक लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स, डोरी डालने के लिए हमने ये बड़ी नीडल ले ली है, क्योंकि हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको डालेंगे तो हमारा सुराग छोटा और सेफ्टी पिन हमारी बड़ी होती है। तो हम इसमें डोरी को ऐसे बांध लेंगे। अब आपको उन्हें ध्यान से देखना है कि कैसे करना है। ये हमने देखिए हमारा सुराख है, तो हमने नीडल को उल्टी तरफ ऐसे इसमें से डालकर दूसरे सुराख में इस तरह डालना है। यहाँ पर ये डोरी हमारी ऐसे दोनों आ गई हैं। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे नोक लगा देंगे। दूसरी डोरी को भी हमने देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ से डाली थी, अब हमने दूसरे हिस्से से यहाँ से डोरी डालनी है हमारी इधर आके। इसको भी हम यहाँ पर ऐसे नोक लगा देंगे कि ये इस साइड ना निकले।
इतना काम हमारा इसका हो गया। अब हम इसमें इसके लिए पकड़ने के लिए इसका हैंडल तैयार कर लेते हैं। करने के लिए यहाँ पर हमने ये पट्टी ली है, 3 इंच चौड़ी है ये और 14 इंच लंबी है। ऐसे फोल्ड कर कर इसके ऊपर यहाँ पर ये ऐसे इसका हैंडल तैयार कर रखा है। अब हमने ये लगाना कैसे है, ये हमारी उल्टी साइड अंदर की साइड होगी और ये ऐसे ऐसा लगेगा। यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पकड़ने का इस तरह हैंडल लग गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ ऐसे ये लूप बना लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल जो हमारा पोटली बैग पर्स है वो हमारा बनकर तैयार हो गया। इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये हमने लूप लेनी है, खींचेंगे दोनों साइड ऐसे। देखिए ये हमारे पोटली बैग का फाइनल लुक आ गया है। ये हमारा पोटली बैग ऐसे बनकर तैयार हो गया। इसके जैसा हमारा पोटली बैग ऐसे बनकर तैयार हो गया। इसमें हम काफ़ी सामान, पैसे, वर्स, फ़ोन वगैरह काफ़ी अच्छा सामान इसमें डाल सकते हैं। हो गया तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी हमारा ये पोटली बैग कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहना और हमें सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।